नमस्कार मित्रों हर हर महादेव स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो स्वयं महादेव कहते हैं कि सावन के महीने में बना ले यह एक नियम मित्रों पूरा घर महादेव पैसों से भर देंगे जीवन में ना तो कभी किसी बात की चिंता होगी ना दुख होगा ना तकलीफ होगी और जीवन में सिर्फ सफलता ही मिलेगी तो मित्रों कहते हैं कि भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय होता है और भगवान शिव को खुश करने के लिए हमारे हिंदू धर्म में और वास्तु शास्त्र में ऐसे कई नियम बताए हैं जिन्हें अपना कर हम भगवान शिव को प्रसन्न करके उनकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करके हम हमारे जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं मित्रों वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा सबसे पहले तो जो भी भक्त अपने मन की कोई भी मुराद पूरी करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सात बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा अब मित्रों सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है क्या सावधानियां बरतनी हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा वह एक नियम है जो आपको सावन के महीने में बनाना है तो मित्रों आपको बता दें कि जैसे कि सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है मित्रों सावन का आरंभ होते ही भगवान शिव और माता पार्वती सृष्टि का संपूर्ण भार उठाते हैं भगवान शिव अपने प्रत्येक भक्त का अच्छे से ध्यान रखते हैं इसलिए सावन का महीना शिव जी को अति प्रिय होता है सावन के महीने में आप भी मित्रों चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की दुख और तकलीफ ना हो। तो कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें आजमा कर आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं मित्रों कहते हैं कि गोमूत्र का हमारे धर्म शास्त्रों में सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है मित्रों गोमूत्र की आप सभी ने कई सारी मान्यताएं सुनी होगी मित्रों कहते हैं कि गोमूत्र को शुद्ध पदार्थ पवित्र पदार्थ माना गया है और पूजा पाठ के कार्यों में इसका विशेष रूप से प्रयोग होता है अगर आपके घर में किसी प्रकार की परेशानी है मित्रों ध्यान से सुनिएगा यह बात आपको कोई भी नहीं बताएगा आपके घर परिवार में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है घर में नकारात्मक ऊर्जा वास कर रही है ग्रह कलेश होते हैं रोग से पीड़ित है कोई परिवार का व्यक्ति तो आपको मित्रों सावन के महीने में हर रोज सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करना है तथा उसके अंत में गुगल का धूप देना है इससे आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शिव जी का वास आपके घर में होता है वहीं आपको इस बात का भी ध्यान रखना है मित्रों कि यदि आप यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन आ रही है जैसे कि आपके पुत्र नहीं हो रहा है संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है पुत्र या पुत्री के विवाह में अड़चने आ रही है या जीवन में तमाम अड़चने आती है मित्रों एक मनुष्य का जीवन अड़चनों से भरा रहता है तो आपको बता दें कि सावन के महीने में आपको सिर्फ यह एक कार्य करना है मित्रों इससे आपकी बाधाएं कोसों दूर हो सकती है ध्यान से सुनिएगा आप सावन के महीने में प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर तो जाते ही होंगे तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि सावन में रोज शिवलिंग पर यदि आप दूध मिलाते हैं भगवान शिव की शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं तो आपको उस दूध में केसर की एक या दो पत्ती डाल देना है सावन में रोज शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं, इससे जल्दी ही आपके विवाह के योग बन सकते हैं आपकी जो भी अड़चने वह दूर हो सकती है मित्रों आपको बता दें कि सावन के महीने में कुछ ऐसे भी कार्य है जिनकी मनाही की गई है जिन्हें वास्तुशास्त्रों में निषेध माना गया है सावन के महीने में आप सभी को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मांस और मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना है इससे भगवान शिव प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाते हैं और जीवन में दुख तकलीफ झेलने पड़ते हैं मित्रों अक्सर आज के इस युग में चूँकि कलयुग चल रहा है और वर्तमान समय में हर व्यक्ति हर एक घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मांस मदिरा या ऐसे गलत खाद्य और पेय पदार्थों का मित्रों जीवन में अपनाता है तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि सावन के पवित्र महीने में इन सब चीजों का त्याग करना है वहीं सावन के अलावा भी आप मित्रों ऐसी चीजों को बिल्कुल भी ना खाएं, वही आप चाहे मित्रों तो सावन में गरीबों को किसी भी एक दिन भोजन अवश्य कराएं, इससे भगवान शिव की अटूट कृपा प्राप्त होती है आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पित्रों की आत्मा को शांति मिलेगी जी हां मित्रों क्योंकि सावन का महीना दान पुण्य के हिसाब से भी बहुत पवित्र माना जाता है आपको पूरे सावन के महीने में किसी भी दिन या हो सके तो रोजाना गरीब को भोजन कराएं इसके साथ ही रोजाना नंदी बेल को हरा चारा खिलाएं इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी मन तन धन संपूर्ण फलेभूत होंगे और आप सभी को बता दें मित्रों कि काले तिल तो आप सभी ने देखे ही होंगे और सुने भी होंगे जी हाँ आप चाहें तो सावन में रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर कर स्नान आदि से निपटकर अपने घर के समीप शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव का आप जल से अभिषेक करें यदि आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप रोजाना दूध से अभिषेक करें रोजाना आप पंच पदार्थों से अभिषेक करें भगवान शिव सिर्फ एक लोटे जल से भी प्रसन्न होते हैं जी हाँ आपको ध्यान रखना है कि अपने घर के समीप भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और उन्हें काले तिल अर्पण करें इसके बाद मंदिर में कुछ देर बैठ कर ही मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी और नए कार्य संपन्न करने की ऊर्जा भी प्राप्त होती है वही सावन के महीने में मछलियों को भगवान विष्णु से संबंधित माना जाता है सावन में किसी नदी या तालाब में जाकर आटे की गोटियां मछलियों को खिलाएं। मित्रों जब तक यह काम करे मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करते रहें अर्थात जब आप मछलियों को आटे की गोटियां खिला रहे हैं तो मन में भगवान शिव का नाम लेते रहें इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में वास करेगी और धन और धन प्रदान करेगी। तो मित्रों वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा और दैनिक राशि फल और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा